आधीची वाढ होऊ नये याची काळजी घेणं माझं कर्तव्य आहे. म्हणून मी आपला भाषणाचा वेळ बिलकुल आपला घेणार नाही. फक्त मी नववर्षाच्या सर्वांना शुभेच्छा देते. सहकारी म्हणून मी बोलतात लोकसभेतील माझे सहकारी सुधाकर श्रंगारे या ठिकाणी उपस्थित असलेले माजी मंत्री बाळा भेगडे. इस वीर भूमी पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि है उसमें आने का सौभाग्य मिला. मैं वीर छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं. मैं जब संभाजी नगर आया हूं तो मुझे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को भी नमन करते हुए इस पवित्र भूमि पुण्य भूमि को नमन करते हुए भी मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं. ये वीरों की भूमि है. अगर हम याद करें तो 1857 में आजादी की लड़ाई में यही संभाजी नगर से लगभग 24 हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान भी दिया, योगदान भी किया और लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया. मित्रों, जब मैं यहां आया हूं तो एक ऐसा समय है जब महाराष्ट्र में सरकार बदली गई है और एक विकास की ओर बढ़ने वाली सरकार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में देवेंद्र जी के सहयोग के साथ आगे बढ़ रही है. बीच में एक छोटा सा कालखंड आया जो महाविकास अघाड़ी के नाम पर महाराष्ट्र को महाविनाश की ओर ले गया. विकास के काम रुक गए, परिवारवाद हावी हो गया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया और लोगों के जनहित के काम रुक गए. लेकिन आज मुझे खुशी है कि जब मैं महाराष्ट्र में आया हूं तो फिर से विकास के कार्यों को ताकत देकर के आगे बढ़ाने का काम चल रहा है. और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज जब दुनिया में एक तरीके से कई तरह के संकट आए हैं तो हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन मुसीबतों में भी देश पूरी ताकत के साथ आगे विकास की ओर छलांग लगाता हुआ बढ़ रहा है. इस बात को भी